हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं गुलदस्ता, बोले तो मतलब गुलगस्ते बोलिए, गुलदस्ता बनाने वाले हैं। ये स्पून स्टिक है जो कि आपको इजीली मतलब मिल जाएगा क्रिएशन बुक में, नहीं तो आप शॉप से खरीद सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा, 10-15 रुपए का मिल जाएगा आपको काम भर। और ये आपको जहाँ बुक मिलता है वहाँ पे ही मिल जाएगा इजीली। और आपको ये लेकर आना है और कुछ नहीं। और फेविकॉल तो हर घर में होता है। ये भी आपको, अगर आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके घर में भी ये भी मिल जाएगा, क्योंकि ये हर बुक में मतलब ड्राइंग के बुक में मिलता है तो दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने इसको खरीदा नहीं था, ये मेरे बुक में से निकाला हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको वहां से निकाल के मैं इसको फ्लावर पॉट बनाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबके घर में ये यूजलेस डेटा केबल तो मिल ही जाएगा, ये तो इजीली हर घर हर आदमी के पास स्मार्टफोन होता है और ऐसा मिल जाएगा। और आपको क्या करना है कि तोड़ लेना है, उसको काट लेना है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने काट लिया, मैं आपको कैसे दिखाऊं। हाँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर टूटा हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो कलर का वायर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उसमें आपको क्या करना होगा कि दो कलर का होगा, रेड या मतलब यहाँ पे इससे ये डाटा केबल है तो इसमें पूरा 4 केबल जाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक रेड और ब्लैक होगा, फिर ब्राउन ग्रीन। तो फ्रेंड्स, इसमें रेड और ब्लैक होगा, उसको आपको अलग कर लेना है, और रेड और ब्लैक को अलग कर लीजिएगा। और आपको उसमें लाइट लगा कर देखना है कि आ रहा है कि नहीं पावर, नहीं तो फ्रेंड्स वही दुगो में पावर आता है। और मैं आपको बता दूं, इधर से जो कोना में उसमें पावर आता है, और इधर से जो कोना में उसमें पावर आता है। बीच वाला किसी काम का नहीं होता है, मतलब चार्ज में लगाइएगा तो उससे किसी काम का नहीं होता है, डेटा ट्रांसफर में काम आता है। फ्रेंड्स, जो दूसरा जो दो वायर बचा होगा उसको आपको काट लेना है, और आप ऐसे बना लेना होगा फ्रेंड्स फेविकॉल की मदद से चिपका के। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस दो लाइट ले लेना है, LED RGB हो या मतलब किसी एक कलर का भी ले सकते हो। ब्लू कलर का यूज करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो उससे अच्छा रहेगा आप RGB यूज करो, लेकिन मेरे केस में ये RGB नहीं है फ्रेंड्स, ये दो कलर का है, लेकिन दो LED लगा हुआ है। फ्रेंड्स देख सकते हो आप यहाँ पर दो LED लगा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको इसको एक साथ कनेक्ट कर लेना है, दो LED को ऐसे कनेक्शन कर लेना है। फ्रेंड्स, ये दोनों टैंक पे मतलब एक LED के प्लस माइनस पे दूसरे LED का भी प्लस माइनस पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है। और आपको यहाँ पर मिरर मिलेगा तो चिपका लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप इसको यहाँ पर लगाइएगा तो ये एडाप्टर है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रेड और ब्लू कलर वाला लाइट है। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर ये सूखा हुआ मतलब ये मार्केट में मिल जाता है इजीली, इसको बोलते हैं वो डमी वाला मतलब प्लांट बोलते हैं, ये जू बनाने के लिए लाया था मैं, तो उसी का बचा हुआ फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं, तो ये अब यूजलेस हो गया था, तो मैंने सोचा इसको फेंके क्यों, इसके कुछ निकाल काम बन कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे वायर ले लेना है और इसमें इधर इधर ऐसे करके फंसा लेना है, जो कि इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ऐसे बना रहे, नीचे ना जाए फ्रेंड्स इसीलिए। तो और एक यहाँ पर ले लेना है, आपको इधर ऐसे करके लगा देना है। और फ्रेंड्स, ये वायर है, और वायर से मतलब इसलिए वायर लगाना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये गिरे ना, ऊपर टंगा रहे, नहीं तो अंदर मतलब खाली है तो गिर जाएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, अंदर हो जाएगा, सारा फ्लावर अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, ये कितना अच्छा लगेगा आपके टेबल पे ऐसे रखा हुआ होगा। तो अगर नहीं फ्रेंड्स, ये छुड़ी है मतलब लगा सकते हो फ्रेंड्स, ऐसे आपकी मर्जी, आप ऐसे ही एक आइडिया दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लगा चाहो तो लगा सकते हो। और इतना ही नहीं, और आप चाहो तो मतलब ये फ्लावर हटा दिए फ्रेंड्स। आप यहाँ पर जैसे पेन भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, जैसे मेरे पास ये पेन स्टैंड भी बना सकते हो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है फ्रेंड्स। इधर से भी देख सकते हैं आप कैसे दिख रहा है, अच्छा लगेगा फ्रेंड्स आपके टेबल पे। अगर ये फ्रेंड्स, इसमें खराब होने वाला कोई चीज नहीं है, और आप चाहे तो प्लांट भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे देख सकते हैं आपको कितना अच्छा लग रहा होगा ये देखने में फ्रेंड्स। ये पूरी तरह से इसमें मैंने अपने में बताऊं तो मैं इसमें सिर्फ 4 रुपए का खर्च किया हूँ, जो कि दो LED है वही मैंने खर्च किया है, नहीं तो ये सब मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर आप स्टूडेंट होंगे तो आपके पास भी ये पड़ा होगा, नहीं तो आपको खरीदना पड़ेगा। और तो फ्रेंड्स, आपको टेबल स्टैंड नहीं बनाना है तो आप फ्लावर पॉट भी बना सकते हो। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर ले लेना है आपको, और ये लगा लेना है, ये मिल जाता है आपको इजीली आपके वही स्टडी वाले शॉप पे, मतलब जहाँ पे बुक कॉपी मिलता है,
वहाँ पे वहीं से मैं लाया था इसको, और ये फ्रेंड्स आज से 2-3 साल पुराना है, 3 साल क्या उससे ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे ले लेना है और ये फ्लावर को लगा लेना है, और देख सकते हो आप फ्रेंड्स ये रात में और भी अच्छा दिख सकता है। नाइट का व्यू देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका आपके घर का स्विच ऑफ हो तो इसका व्यू देखते हैं कैसा होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5-6 लाइट जल चुका है, इसीलिए इसका इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है। सबके घर में उतना लाइट नहीं जलता है फ्रेंड्स, एक दो जलता है। तो फ्रेंड्स उसमें आपको अच्छे से दिखेगा, और ये आप अगर नाइट अगर आपके घर में एक भी बॉल ना चल रहा हो तो ये और ही अच्छे से दिखाई देगा फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरह से यूजलेस प्रोडक्ट से आप सामान मतलब इसको यूज करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप ऐसा बना सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।